हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, जिस अपडेट का वेट पूरी दुनिया कर रही थी वो आ चुका है, iOS 17.1 का स्टेबल अपडेट। इस अपडेट को मैंने कर लिया है अपने आईफोन 14 में। इस अपडेट में क्या कुछ नया मिला है और ये अपडेट आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइज, यहाँ पर बात करेंगे इस अपडेट के साइज से, जिसका साइज है 1.32 GB का। और यहाँ पे गाइस, अपडेट से पहले इस फ़ोन में जो अपडेट चल रहा था वो था iOS 17.0.3, जिसका बिल्ड नंबर था 21A360। एंड यहाँ पर अपडेट से पहले इस फ़ोन में जो अवेलेबल स्पेस था वो था 39.97 GB का, और जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 2.08.02। और अपडेट के पहले ही इस फ़ोन में जो आईफोन स्टोरेज होता है, iOS डाटा था उसका 10.95 GB का, और जो सिस्टम डाटा था वो था 22.98 GB का। और अपडेट से पहले इस फ़ोन में जो बैटरी हेल्थ थी वो थी 100%। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि फ़ोन मेरा नया है, अभी बिग बिलियन डेज में मैंने ख़रीदा है, और बीच में इसमें जो है अभी कुछ बैटरी बैकअप वगैरह ठीक ठाक तो मिल रहा है, कहीं किसी अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ ना ड्रॉप हो जाए, इस वजह से मैं आप लोगों को गाइस जो है ये दिखा देता हूँ। बात करें अपडेट के बाद का क्या सीन है, तो यहाँ पर इसका बिल्ड नंबर चेंज हो चुका है, iOS 17.1 21B74 आ चुका है, नया बिल्ड नंबर हमें देखने को मिलता है। और अपडेट के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल स्पेस है वो 49.93 GB का है, यानी कि जो स्पेस है वो हमें 10 GB एक्स्ट्रा मिल रहा है, अभी 10 GB और खाली हो चुका है। सो अगर आपके आईफोन में स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पर आपको फिक्स होती हुई नज़र आ जाएगी। बात करें मॉडेम फर्मवेयर की, तो वो भी चेंज हो चुका है 2.10.03। सो यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर भी चेंज हो चुका है। तो अगर आपके आईफोन में कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, मोबाइल डाटा, वाईफाई, अपना ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। कनेक्टिविटी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर एप्पल ने फिक्स कर दी है। एयर ड्रॉप वगैरह में इशू था तो वो भी फिक्स हो गया है, जो कि मैं भी जो है महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करेंगे इस और चीज़ों की, सिस्टम डाटा की, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अभी कम हो चुका है, तो ये जो कम हुआ है वो अवेलेबल स्पेस में जो है वो बढ़ गया है। बात करें और क्या कुछ नया मिला है, तो जैसे मैं एप्पल म्यूज़िक यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है आप पढ़ सकते हो, व्हाट्स न्यू इन एप्पल म्यूज़िक, मोर टू फेवरेट, अभी फेवरेट सॉन्ग्स एल्बम एंड प्लेलिस्ट एंड दे विल अपीयर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ये सब चीज़ें जो है आपको दिख जाएंगी, और आपको नए नए सजेशन जो है मिल जाएंगे, सजेस्टेड सॉन्ग्स इन प्लेलिस्ट, क्विक एड फ्रॉम अ सेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स डिजाइन टू फिट योर प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट कवर्स, सुनने कवर्स जो हमें देखने को मिल जाएंगे इस एप्पल म्यूज़िक के अंदर। सो ये मैं एप्पल म्यूज़िक जो है गाइस यूज़ करता हूँ, तो ये काफ़ी जो है और खूबसूरत जो है अब दिखने वाला है। सो एप्पल म्यूज़िक जो है सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है, तो नया फ़ोन अगर आपके पास है तो फ्री होता है कुछ टाइम के लिए, महीने दो महीने के लिए, तो आप एक बार जो है मेरे कहने पर एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके जो गाने की क्वालिटी होती है लॉसलेस में, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आते हैं। जैसे कोई भी गाना हम प्ले करते हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है आपको नए नए जो है क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पर ये बैज आ गया, ऐड टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, स्टार बना देंगे तो ऐड हो जाएगा। बात करें और कोई कुछ नया मिला है, तो अगर आप जो है फोटो सफल यूज़ करते हैं अपने वॉलपेपर में, तो आपको ये एल्बम का एक नया सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं गाइस, कि आप जो है फोटोज़ वगैरह जो है एल्बम पूरा का पूरा सेट कर सकते हैं अपना वॉलपेपर के लिए। और यहाँ पर कुछ जो छोटी छोटी नई नई चीज़ें हैं, जो कि अपना जो मेन चीज़ है वो गाइस है अपना प्रो सीरीज़ में 14 प्रो है, 15 प्रो अपना जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्लेज के लिए है, तो ये हमारे जो है नॉर्मल 14 में ये फीचर तो है ही नहीं, जिसके बारे में बात ही क्या करें। अब बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस कैसी क्या है, तो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। CPU जो है मैंने चेक किया था लास्ट टाइम पे, पहले कितना था, जो कि आप लोग देख सकते हो, जब आया था iOS 17.0.3, जिसका सिंगल कोर था 2241 और मल्टी कोर था 5453। और यहाँ पर जब मैंने इसको कल चेक किया 26 अक्टूबर को, तो यहाँ पे 2294 और पहले कितना था 2241। तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस है स्लाइटली थोड़ी सी बेहतर ही मिलेगी, धीरे धीरे iOS 17 जो है स्टेबल हो रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही है। बात करें अगर GPU स्कोर की, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पहले कितना था 20384 और अभी है 20628,
तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस धीरे धीरे ओवरऑल स्टेबल मिल रही है और काफ़ी जो है सही मिल रही है, तो आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एयर ड्रॉप वगैरह कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल रही है, नए नए फीचर छोटे मोटे दो थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए। अब बात करते हैं गाइस की बैटरी बैकअप का क्या सीन है, तो बैटरी बैकअप गाइस अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है, बट यहाँ पर अभी मैं इतनी जल्दी 24 घंटे हुए हैं अभी मैं एक तरीके से रिव्यू तो इसका नहीं कर सकता, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा सकता हूँ बैटरी हेल्थ, जैसे कि इस नए फ़ोन की मेरे जो है 100% है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि कल थर्सडे था 3:50 पर इस फ़ोन में मैंने 80% बैटरी चार्ज की थी, ठीक है, और अभी कितनी है 39%, यानी कि 40% ही बैटरी जो है वो ड्रेन हुई है। तो बैटरी बैकअप मुझे तो लग रहा है काफ़ी सही मिलने वाला है इस बार 3:50 पर कल शाम को, और अभी 8:50 हो रहा है सुबह के, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, फ़ोन मैंने यूज़ भी करा है, स्क्रीन ऑन टाइम आप लोग देख सकते हो 6 घंटे का है। तो मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि अपने फ़ोन को जो है अगर आपका फ़ोन नया ज़्यादा यूज़ नहीं है तो फ़ोन को 80% ही चार्ज किया जाइए, आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सो यहाँ पर बैटरी बैकअप ओवरऑल इस अपडेट में भी काफ़ी सही मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही ना परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ना बैटरी बैकअप से रिलेटेड, ना ओवरहीटिंग से रिलेटेड, और कनेक्टिविटी भी काफ़ी सही काम कर रही है, तो फिलहाल तो सही चल रहा है। बट 2 दिन इस अपडेट को मैं यूज़ करने वाला हूँ, उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा कि आईफोन 14 में अपडेट आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम्स आजकल जो है हो जाती है अपने आप, ग्रीन स्क्रीन का प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो 2-3 दिन यूज़ करूँगा उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा कि अपडेट आपको करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए था। सो यही थी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।